नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं अजय शुक्ल ट्राइसिटी डिबेट में आपका स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा है प्रधानमंत्री मुफ्त अनाज योजना में क्यों दिया जा रहा है सड़ा गेहूं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को अनाज देने का फैसला किया गया था। इसके तहत केंद्र शासित चंडीगढ़ में भी गेहूं बांटा जा रहा है, लेकिन वो गेहूं सभी जगह सड़ा पहुंच रहा है, जहां जहां पर भी पहुंच रहा है। इसकी आपूर्ति का जिम्मा जो केंद्र है, केंद्र सरकार है, उसके अधीन है चंडीगढ़ का प्रशासन, वो बांट रहा है, उसका खाद्य आपूर्ति विभाग बांट रहा है। और स्थिति यह डिपार्टमेंट सीधे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को ही रिपोर्ट करता है। इस मुद्दे को चंडीगढ़ के पूर्व उप महापौर विनोद अग्रवाल, भाजपा के पार्षद दिलीप शर्मा, कांग्रेस के नेता शशि शंकर और जो एनजीओ चलाने वाले समस्या समाधान टीम के जो संयोजक हैं मनोज शुक्ला और आश्रय एनजीओ के और कांग्रेस से जुड़े हुए रवि ठाकुर, ये सारे लोगों ने पकड़ा और तमाम जगह पर इसको लेके शोर हुआ। कल ही दिलीप शर्मा ने पूरा जहां पर भी ये बांटने का कम्युनिटी सेंटर में चल रहा था वहां पर उन्होंने पूरा इसको लेकर के खड़ा किया और उसका नतीजा ये हुआ कि सबके सामने लेकर आए। सेक्रेटरी को वहां पे मौके पे आना पड़ा, खाद्य विभाग के अन्य अधिकारियों को आना पड़ा, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ, अंततः वही खड़ा है। तमाम ये भी आरोप है कि कुछ लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं पर्चियां दे देते हैं, पहले ही दे देते हैं और सिर्फ उन्हीं को अनाज दिया जाता है, पिक एंड चूज के आधार पर भी है, सबको अनाज नहीं मिलता। इस बात को लेकर के खुद विनोद अग्रवाल ने कहा कि सबको अनाज नहीं मिल रहा है, दिलीप शर्मा ने भी ये बात कही। तो ये स्थिति है कि फिर जब सबको, जो भी गरीब है उसको मुफ्त अनाज दिए जाने का जब नियम बनाया गया है और उसके लिए भी रखा गया कि कोई शर्त ना रहे, कहीं का भी राशन कार्ड हो, कहीं का भी कोई आपके पास प्रूफ हो, उसके आधार पे आप जा करके ले सकते हैं। लेकिन सच ये है कि पहली बात तो अनाज मिल नहीं रहा है, जहां मिल रहा है वहां सड़ा मिल रहा है। तो यदि चंडीगढ़ जैसे केंद्र शासित और इतने सुनियोजित शहर में यह हाल है तो बाहर क्या होंगे। आप समझ सकते हैं कि यह सत्य है प्रधानमंत्री मुफ्त अनाज योजना के, और इस के नाम पर एक बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। आपको याद होगा जब देश आजाद हुआ था उस वक्त जो है हमारे देश में खाने को खाद्यान्न की बड़ा संकट था, जो अमेरिका से सड़ा अनाज आता था उस अनाज से लोगों को पेट भरना पड़ता था और इसके कारण बहुत सारी महामारियां फैली थी और लोग मरे थे। पंडित नेहरू ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला काम यही किया कि किस तरह से इस देश के हर व्यक्ति का पेट भरा जा सके। उसके लिए उन्होंने हरित क्रांति पे जोर दिया, दूसरी जल क्रांति पे जोर दिया, दुग्ध क्रांति पे जोर दिया और इस तरह से करके लोगों के जीवन को बचाने का काम किया। आज हिंदुस्तान में फिर वही दोहराया जा रहा है कि सड़ा गेहूं दिया जा रहा है, सड़ा अनाज दिया जा रहा है, और यदि सड़ा अनाज खाएगी ये जनता तो निश्चित रूप से मरेगी, तमाम बीमारियों से ग्रसित होगी। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ में एक पैनल है और जिसमें हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दिलीप शर्मा हैं, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया भी। मेरे साथ में शशि शंकर तिवारी हैं जो प्रदेश महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ में मनोज क्रांति शुक्ला हैं जो संयोजक हैं समस्या समाधान टीम के, और मेरे साथ में रवि ठाकुर हैं जो प्रमुख हैं आश्रय चंडीगढ़ एनजीओ। मैं सबसे पहले जाना चाहूंगा दिलीप जी के पास। दिलीप जी, कल आपने संघर्ष किया, उस जनता के लिए संघर्ष किया जिसको जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, और उसी क्षेत्र में चूंकि रवि ठाकुर भी रहते हैं, रवि ने भी इसको लेकर के पूरा वो खड़ा किया, तो आपने कल इसकी लड़ाई लड़ी। मेरे पास में उसके वीडियो मौजूद हैं कि आप ऑफिसर्स को सच दिखा रहे हैं, सच लाए, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। क्या स्थिति है, क्यों ये सड़ा अनाज मिल रहा है? देखिए शुक्ला जी, वैसे जैसे कि आपने अभी बताया कि पंडित नेहरू जी ने एक हरित क्रांति लाए और सभी को अनाज मिले, ऐसा आपने अभी भी बोला है, लेकिन उससे कहीं बढ़कर
हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक कदम आगे बढ़कर ये सोच कि सभी गरीबों को फ्री में अनाज मिले, पहले राशन कार्ड पर मिलता था लेकिन फ्री में अनाज मिले, ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए, 3 महीने बाद चुनाव है, कहीं ना कहीं इसमें एक साजिश षड्यंत्र मुझे नजर आ रहा है कि पंजाब ये षड्यंत्र कौन करेगा, उन्हीं के उन्हीं प्रधानमंत्री के अधीन ही जो चंडीगढ़ प्रशासन है वही गेहूं बांट रहा है, तो साजिश कौन करेगा। जी मैं वही आपको बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि 3 महीने बाद चंडीगढ़ के अंदर नगर निगम के चुनाव है और राजपुरा से ये कणक आ रही है और कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, एफसीआई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। वही कह रहा हूँ, राज्य सरकार कहाँ से आ गई उसमें, कहीं तो उसका कोई रोल ही नहीं है उसमें तो। जी गवर्नमेंट तो सारी भारत सरकार की है, कहीं ना कहीं मैं फिर कह रहा हूँ कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट का, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कुछ ना कुछ वहां पर गोलमाल हुआ है। और दूसरी बात सर मैं बताना चाहता हूँ, नहीं नहीं बात ऐसे थोड़ी जब, कि कुछ जब भी मेरे पास भाई आप उसके जब, तो दीजिए जी वही मैं बता रहा हूँ। जब कल मेरे संज्ञान में पहले एक दो व्यक्ति आए, फिर उसके बाद कई फोन आए और मैं तुरंत मौके पर पहुंचा, वहां पर जाकर मैंने देखा कि कुछ लोग, मैंने उनको बुलाया कि आप अपनी बोरियां लेकर आए, और मैं वहां पर जो भी तेजदीप सैनी था उसने फोन नहीं उठाया, डीएफएसओ को फोन किया, वो कहता है हम देख रहे हैं चेक कर रहे हैं, लेकिन चेक करने का मेरे पास समय नहीं था और मैंने उनको कहा कि तुरंत एक्शन लीजिए, लेकिन उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया। और मैंने कांवले से बात की, जो इसके सेक्रेटरी भी है, मैंने कांवले से बात की, कांवले जो थे वहां पर आए और आने के बाद मैं, सच्चाई है कि मैं मास्क नहीं पहन रखा था और उस पर उन्होंने कहा कि मास्क पहनिए फिर उसके बाद बात करेंगे। मैंने उनसे यही कहा कि मास्क से बंदा नहीं मरेगा, लेकिन ये जो घटिया किस्म की कणक आप जो सप्लाई कर रहे हैं इससे आदमी मर सकता है, इससे बीमारी फैल सकती है। उसमें वो कहते हैं मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। मैंने भी उनसे कहा कि मुझे बात करने की कोई लालसा नहीं है, मुझे सिर्फ जब तक सही कणक नहीं मिलेगी, सही गेहूं नहीं मिलेगा, तब तक मैं यहां पर नहीं पटने दूंगा। भारत सरकार ने गलत कणक बांटने के लिए नहीं कहा, उन्होंने गलत कणक बांटने के लिए नहीं कहा, उन्होंने साफ सुथरी और गरीबों को बांटने के लिए कहा। और जो ऑफिसर इसमें संलिप्त है मैं उसके बाद एडवाइजर नहीं, नहीं, आपके अलावा आपने अपने क्षेत्र में तो कहा ही, दिलीप जी आपने अपने क्षेत्र में तो कहा ही, विनोद अग्रवाल जो आप ही के पार्टी के हैं और पूर्व उप महापौर है, उनके उनके भी क्षेत्र में यही स्थिति हुई है, उनके यहाँ भी सारी कॉलोनियों में ये संकट खड़ा हुआ है। दिलीप जी, दिलीप जी आप देखे स्क्रीन पे वीडियो आ रहा है उस पूरी घटना का, और वो कनक भी हम दिखा रहे हैं, आप देखिए वो कनक और वो सारी चीजें दिख रही हैं कि जो प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत जो वो हो रहा है। दिलीप जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ दिलीप जी मैं कह रहा हूँ विनोद जी जो आप ही के पार्टी के हैं सीनियर नेता हैं, उनके भी क्षेत्र में यही स्थिति हुई है, यही दूसरे अन्य कॉलोनियों में हुई है जहां गरीब लोग रहते हैं। शुक्ला जी आवाज कट रही है। चलिए मैं आपके पास फिर आता हूँ, मुझे लगता है आपके कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं इसके बाद में आऊंगा रवि के पास। रवि आपने भी उस क्षेत्र में पकड़ा और आपने भी इसको लेकर के काफी हो हल्ला किया और सारी बातें बताई, क्या आपको लगता है कि क्या स्थिति थी, क्या सच है? पहले तो शुक्ला जी नमस्कार, मैं यही बताना चाहता हूँ, जैसे ही कल लोग काफी लोग कनक लेके जा रहे थे तो लोगों का काफी मैसेज आया, कईयों ने धोई अपनी कनक को, धुला तो वो गंदी निकल रही थी, तो लोगों का यही था भी कनक बहुत गंदी आ रही है, तो हम उस ट्रक के पास गए, हमने एक एक कट्टा उतारा और उसको चेक करना शुरू कर दिया। उसी दौरान इंस्पेक्टर साहब आए अंदर से कि ये आप क्या कर रहे हैं। जब वहां पर काफी शोर शराबा शुरू होने लगा तो लोगों ने कहा भी हमको अपनी कणक नहीं चाहिए, हम इस कणक को वापस करना चाहते हैं, तो वो कणक लोगों ने जितनी थी वो वापस करी, कट्टे एक एक कट्टा खोल के चेक किया गया, ऐसी कणक थी जैसी किसी, जैसे मुर्गी वाले देते ना जिसे जानवर को दी जाती है, ऐसी वो कणक थी, बिल्कुल ही बेकार थी। अगर कई लोगों ने उसको पिसवा भी लिया, कई लोगों ने आटे को पिसवाया भी, लोग कहते हैं इस आटे को हम खाए नहीं, लोगों ने उन आटे को भी फेंक दिया,
कणक को धोने के बावजूद फेंकना पड़ा, तो प्रशासन अधिकारी कहते हैं हम इसको चेंज कर देंगे। तो उनसे चेंज तो हमने करवा ली, लोगों के वापस गए कट्टे, वापस गाड़ियों में लोड करवाए कल, और वो उनसे उनको पर्चियां वापस दिलवाई गई। तो लोगों का यही है कि बहुत कणक खराब कणक है, और ये 5 महीने का राशन इन्होंने दिया है सिर्फ एक एक मेंबर को 5 किलो, 5 महीने का एक मेंबर को मिला है 25 किलो। तो सर एक बार बताइए, एक मेंबर क्या 5 किलो आटा खाएगा? पहले राशन मिलता था, पहले चीनी मिलती थी, पहले तेल मिलता था, पहले हर सुविधा मिलती थी। कांग्रेस सरकार में सब कुछ मिला है, इन्होंने यहाँ के चंडीगढ़ के डिपो भी बंद कर दिए। अब लोग क्या करें? पहले तो राशन के डिपो पर सामान मिल जाता था, लेकिन आजकल वो राशन के डिपो बंद हो गए हैं, लोग कम्युनिटी सेंटर में जाके सामान लेते हैं। तो फिर बाद में क्या होता है, 150-150 पर्ची काउंसलर साहब अपने लोगों को चाहिए तो दे देते हैं। चलिए चलिए, मैं इससे इसी विषय पे रवि, मैं रवि गरीब लोग लाइन हमने काफी बार मैं रवि इसी विषय पे मनोज से बात कर लेता हूँ। मनोज, आपके क्षेत्र में भी पूरा इंदिरा कॉलोनी और उसके आसपास का जितना क्षेत्र है उधर भी जो कनक बटी है, कल आपके पार्षद जो हैं विनोद अग्रवाल, उन्होंने भी वहां पर पूरा इसको लेके सवाल उठाया है और इस चीज को लेकर के कि ये खराब आ रहा है, आपने भी उसको लेके वहां आवाज उठाई है, क्या आपने क्या हकीकत देखी है? मैं तो चैनल पे दिखा रहा हूँ। इसमें मैं आपको कुछ विवरण के साथ मैं आपको कई चीजें बताऊंगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत चंडीगढ़ प्रशासन ने 5 महीने का राशन फ्री बांटना तय किया, जो कि जुलाई से नवंबर तक का था। पहले भी ये लोग 3 बार राशन बांट चुके थे, वहां इनकी जो समस्या आती थी वो वितरण में समस्या आती थी, लेकिन इस बार तो इन्होंने हद ही कर दी है कि लोगों को गलत प्रकार से गंदा गेहूं बांट रहे हैं। और दूसरी चीज आपको ये भी बता रहा हूँ कि लगभग 63,000 गरीब परिवारों को उन्होंने ये राशन देना था। चंडीगढ़ खाद्य आपूर्ति विभाग ने एक टेंडर जारी करा था 16 जुलाई को, उन्होंने उसमें आवेदन मांगा था, आवेदन में यह स्पष्ट था कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिकायत सामने आती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी सर एक चीज और बताता हूँ, इन्होंने EKYC एक चीज शुरू की थी जो कि 2 दिन ही चली, 2 दिन के बाद इन्हें उसमें प्रॉब्लम आई तो उसे बंद करना पड़ा। साथ ही आपको बताता हूँ कि कल हमें पता लगा बापू धाम इंदिरा कॉलोनी शास्त्री नगर के अंदर खराब गेहूं बांटा जा रहा है सर, लेकिन एक्शन क्या हुआ? जांच का कोई सिस्टम ही नहीं है, शिकायत हो गई और अभी भी गेहूं बट रहा है। आप देखिए अभी भी गेहूं बट रहा है कई जगहों पर। देखो सर, जांच के सिस्टम पर आते हैं हम, जांच के सिस्टम की बात मैं करता हूं। अब एक मुझे आज जानकारी मिली कि हमारा जो गेहूं है वो राजपुरा में FCI के गोदाम से आ रहा है, वहां से कंपनी लेती है गेहूं, और वो कंपनी को 50 केजी का बोरी मिलता है वहां से कंपनी को। अब जब वो 50 केजी की बोरी वहां से लेकर के आ रहे हैं चंडीगढ़ में, उसे 25-25 केजी में तब्दील तो कर रहे हैं, क्या वो देखा नहीं उन्होंने? जब उसको बोरी को खोल करके 25-25 किलो बनाया गया, क्या उसे देखा नहीं? क्या कंपनी या चंडीगढ़ प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं हुई कि किस प्रकार की जिम्मेदारी ये लोग उठा रहे हैं और इसमें किसकी जिम्मेदारी है ये लोग भी तय करें। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन की। सर मैं आपको बताता हूँ, एक गरीब आदमी बेचारा अपनी दिहाड़ी तोड़ करके वो अनाज के लिए जाता है। सबसे पहले तो सर इस समय ऐसी प्रक्रिया चल रही है कि आपको पर्ची देने से पहले एक एडवर्टाइजमेंट कार्ड दिया जाता है, एडवर्टाइजमेंट कार्ड पर नेता की फोटो छपी होती है, फिर आप उस एडवर्टाइजमेंट कार्ड को अगले दिन लेकर के जाते हो तब आपको पर्ची मिलती है, फिर पर्ची लेने के बाद तीसरे दिन आपको कनक मिलती है। 3 दिन दिहाड़ी तोड़ करके लगभग 1,000 से 1,200 रुपए का मजदूर अपना नुकसान करता है, उसके बाद उसे सड़ा हुआ गेहूं मिलता है। किस प्रकार की व्यवस्था आप लोग दे रहे हैं? क्या आपने सिस्टम चला रखा है? हमने भी हाल ही में RTI लगाई थी जब पीछे इन्होंने क्या कहते गेहूं बांटा था, हमने प्रशासन से खाद्य आपूर्ति विभाग से पूछा कि आपने कितने लोगों को कनक बांट दी है, अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया। तो सर एक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि किस अफसर की निगरानी में वो गेहूं वहां से गोदाम से लिया गया, किस अफसर ने की निगरानी में उसे 25-25 किलो में तब्दील किया गया, कैसे बांटा गया, किसकी जिम्मेदारी बनती है। और दूसरी चीज सर, मैं आपको आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूं चंडीगढ़ प्रशासन को और हमारी केंद्र सरकार को, एक चीज ये समझनी चाहिए कि किसी भी राजनीतिक दल की इसमें ड्यूटी नहीं लगानी चाहिए बांटने में। कई संस्थाएं समाज सेवी संस्थाएं RW हैं, उनकी जिम्मेदारी लगानी चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, नहीं तो अपने अपने लोगों को पर्चियां मिल जाती हैं और बेचारा गरीब आदमी वो अपनी रह जाता है। चलिए चलिए, मैं इसी पे शशि शंकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के। शशि जी, जिस तरह से जब चंडीगढ़ देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर गरीबों को आटा खिलाने वाली बात हो या अनाज खिलाने वाली बात, ये वो है योजना ही खत्म कर दी है प्रकार से इन्होंने
कि जो है आप राशन की दुकान पे जाते थे, बहुत सस्ता सा आपको राशन और सारे सामान मिल जाते थे। आज वो व्यवस्था नहीं है। आज की व्यवस्था में आपको जो मिल रहा है वो भीख की तरह से मिल रहा है, और वो आपके लिए किया गया है कि हाँ नवंबर तक के लिए पूरे देश में किया गया। लेकिन किस तरह से किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, पात्र लोग उससे वंचित रह जा रहे हैं, और जिस तरह से सड़ा गेहूं मिला है, निश्चित रूप से जब भारत सरकार की के अधीन केंद्र शासित एक छोटे से, जो एक शहर से भी छोटा होता है, उतने बड़े शहर में ये स्थिति है जहां इतनी बड़ी ऑफिसर्स की मशीनरी है, वहां ये हालत है, तो फिर देश में क्या हो रहा होगा? देश में के लोगों को इस योजना के नाम पे जो प्रचार किया जा रहा है, क्या सड़ा चीज खिलाई जा रही होगी और क्या बीमारियां दी जा रही होंगी? जी तिवारी नमस्कार। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पूरी जोर से इंडिया न्यूज ने इस मुद्दे को उठाया, नहीं तो ये मुद्दा ही नहीं उठता। ऐसे सरा गला लोग खाकर आधे लोग बीमार पड़ जाते हैं, कोई मर जाता है, कोई अस्पताल में होता है, जो आपने प्रमुखता से उठाई। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ये गरीबों के साथ जो भद्दा मजाक कर रही है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। अभी हमारे भाई और भाजपा के पार्षद दिलीप शर्मा जी ने कहा कि पंजाब के अंतर्गत में कांग्रेस की सरकार है, शायद वहां से कहीं मिलावट ना हुआ हो। जो अभी हमने मनोज शुक्ला जी ने क्लियर कर दिया कि वहां से 50 किलो की गेहूं पैक होती है और चंडीगढ़ की बोरियों में पैक होकर कर 25-25 किलो आती है। तो मैं पहले दिलीप जी से कहना चाहूंगा कि ये कहावत है कि लाजे बिजली खंभा नोचे, ये क्लियर है कि आप अपनी सरकार की, अपनी बीजेपी सरकार की गलती कांग्रेस के ऊपर ना फोड़े। आप लोगों की गरीबों के साथ जो भद्दा मजाक है, ये परंपरा से बीजेपी की चलते आया हुआ और आज भी वो चल रहा है। ये तो नहीं, दिलीप जी ने ये भी बताया, दिलीप जी ने तो ये भी बताया कि वो अफसर को बता रहे थे, सारी चीज कह रहे थे, अफसर बदतमीजी पे उतरा हुआ था, वो बात को सुनना नहीं चाहता था, देखना नहीं चाहता था, वो अफसर इनकोवर कर रहा था। और जब वो भाजपा के लोगों के साथ ऐसे कर रहा है तो दूसरों के साथ क्या करेगा? सर एक मिनट, मैं वही कहने जा रहा हूँ कि जब हमारी कांग्रेस की सत्ता होती थी, यही बीजेपी के लोग कहते थे कि हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, आ रही आपकी। बीजेपी के लोग कहते थे कि क्या नाम है, अफसर अस्थाई कांग्रेस के अंदर में नहीं है। और मैं दिलीप जी से, एक दिलीप जी काउंसलर है और एक वरिष्ठ भाजपा के नेता है, इनके सामने ही इनकी सिगरेटी फूड सप्लाई का इनकी ऐसी तैसी कर रहा है, इनकी पूरी लीडरशिप क्या नाम है शांत बैठी है, और सारी दुनिया देख रही है कि जो गेहूं बट रहा है वो बिल्कुल ही रिजेक्ट में भी, वो शायद मुर्गी भी ना खाए, जो समाचार पत्रों में छपा हुआ है कि मुर्गी दाना, मैं तो कहूंगा कि उसको मुर्गी भी नहीं खाए। वो इनके सरकार के अंदर में इनके अफसर, इनके नेता, इनके सांसद, इनके मेयर बांट रहे हैं, और कोई भी न सांसद का कोई स्टेटमेंट है, ना अध्यक्ष का कोई स्टेटमेंट है। इस चंडीगढ़ कांग्रेस इसकी घोर निंदा करती है, और बीजेपी के साथ साथ में जो भी इसके अफसर दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई की मांग करती है कि गरीबों के साथ कार्रवाई की मांग करती है। मैं दिलीप जी के पास जाऊंगा, एक मिनट आता हूँ आपके पास। दिलीप जी सुन पा रहे हैं मुझे? दिलीप जी, जो स्थितियां हैं, आपकी लीडरशिप को इस मामले में एकजुट होकर आना चाहिए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री की छवि का भी सवाल है। लेकिन आपकी लीडरशिप में एक भी व्यक्ति नहीं आया, सीनियर व्यक्ति कोई नहीं आया, कोई नहीं बोला, ये सवाल नहीं खड़ा करता है? जी इस विषय में मैं नहीं जानता, लेकिन प्रधानमंत्री जी की छवि, नहीं देखिए आप लड़ रहे हैं इसलिए क्योंकि आप क्षेत्र के पार्षद हैं, वो विनोद अग्रवाल लड़ रहे हैं क्योंकि क्षेत्र के पार्षद हैं, लेकिन भाजपा की लीडरशिप कहाँ गायब है? इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, इतना बड़ा धांधली हो रही है, चीजें हो रही है। देखिए शुक्ला जी, जहां तक भाजपा की लीडरशिप का सवाल है, वो ही जवाब देगी, लेकिन मैं जनता के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा, ये हमारा निश्चय है।
चलिए चलिए बड़ी अच्छी बात कही है, बड़ी अच्छी बात कही है दिलीप जी ने, तरीके से गेहूं जनता के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, खराब करता है, दो दोषी है। मैं जब एडवाइजर साहब से मिला, अजय जी जी, मैं एडवाइजर साहब से मिला और मैंने यही बात रखी, मेरे साथ रामबीर भट्टी जी भी थे, मेरे साथ गुरप्रीत सिंह हैप्पी जो सरपंच है दड़वा के, वो भी थे, और हमने यही बात उठाई कि किसी भी दोष, कोई भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए बड़ी अच्छी बात कही, मैं इसके बाद में रवि के पास जाऊंगा। रवि जी जल्दी से एक कमेंट अपना। मैं ये कहना चाहता हूं सर कि भी यहाँ पर एक तो आपके चैनल के माध्यम से एक तो कंडा लगवाया जाए, जो ये कणक 25 किलो है ये पूरी 25 किलो नहीं होती, कोई किसी में 22 किलो निकलती है, किसी में 23 किलो निकलती है, सबसे बड़ा घोटाला तो ये है। और उस ठेकेदार के ऊपर एक बिजनेस इंक्वायरी होनी चाहिए जो ये राशन वितरण कर रहे हैं, ये ठेकेदारी प्रथा है, और ठेकेदारी प्रथा पे हम इंक्वायरी के लिए हम अपने सीनियर नेताओं से अभी डिस्कस करेंगे कि भी इनके खिलाफ एक बिजनेस इंक्वायरी की मांग की जाए। जी मनोज आप इस पे कुछ जो कमेंट करेंगे जल्दी से करिए। देखिए सर मेरा कहना यही है कि सरकारी तंत्र को शामिल होना चाहिए, सरकारी ऑफिसर्स किसकी ड्यूटी बनी थी उसको एक जांच होनी चाहिए, किसकी ड्यूटी बनी थी, और जो ये बैनर और ये जो एडवर्टाइजमेंट का जो खेल खेला गया उसको छोड़ करके जनता की सेवा पर ध्यान देना चाहिए। जी मैं शशि शंकर तिवारी के पास आऊंगा। तिवारी जी आप जो है इसको लेकर के क्या जाएंगे, सरकार से मांग करेंगे कि हाँ इसकी इंक्वायरी हो, और जिस तरह से एक अच्छी योजना शुरू की गई और उस योजना में जो धांधली हो रही उसे रोका जाए। बिल्कुल जी, 100% हम जाएंगे, इसके लिए मुद्दा भी उठाएंगे, एडवाइजर साहब से भी, सेक्रेटरी साहब से भी मिलेंगे। और एक मैं आपके माध्यम से अभी कहना चाहूंगा कि अब इसके पहले भी कांग्रेस के टाइम में भी इससे बढ़िया बढ़िया आटा चावल चीनी मिट्टी तेल सब गरीबों को लोगों को मिलता था, लेकिन कहीं भी सरदार मनमोहन सिंह जी, सरदार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनकी फोटो आपने नहीं देखा होगा। यहाँ वर्तमान समय में सर एक मिनट वर्तमान चलिए चूंकि तिवारी जी समय की समय की सीमा है, समय की सीमा है, इसलिए मैं चर्चा को समाप्त करता हूं, और आप सभी आए, आप लोग शामिल हुए, इसके लिए धन्यवाद करता हूं। अच्छा है कि इस समस्या आई और इसका समाधान निकले और लोगों को उसका लाभ मिले योजना का, मैं यह उम्मीद करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद।